हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? हम लोगों ने परिमित रिप्रेजेंटेशन देखा था, परिमित रिप्रेजेंटेशन इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंटेशन देख लिया था हम लोगों ने। और फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था पर यूनिट पर फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर, बट किसमें? स्टार स्टार कनेक्शन में। आज हम देखेंगे पर फेज परिमित रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इन स्टार डेल्टा कनेक्शन। ओके, तो आज का जो लेक्चर है और पिछला जो लेक्चर था, इन दोनों के यानी कि अपना स्टार स्टार कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। ओके ओके, वो कंक्लूजन देखेंगे क्या होगा। चलिए, तो पहला हम लोगों ने स्टार स्टार देखा था, आज हम देखेंगे दूसरा स्टार डेल्टा। ओके, तो मैं यहाँ पहले वो फिगर ड्रॉ करूँगा जिससे हम स्टडी करेंगे, फिर यहाँ पर वो फिगर ड्रॉ करूँगा जिससे आप लोग फेमिलियर होंगे। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूँ अपना। हमको क्या ड्रॉ करना है? थ्री फेस स्टार, थ्री फेस डेल्टा। ओके, पहले तो थ्री फेस ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा एक फेस। थ्री फेस इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर को ऐड करेंगे, तो आई मीन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को ऐड करेंगे थ्री टाइम, तो क्या मिलेगा हमको? थ्री फेस ट्रांसफार्मर। तो हमने बना लिया थ्री सिंगल फेस ट्रांसफार्मर बना लिया, ठीक है ना। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है हमको? स्टार डेल्टा। एच वी साइड हम स्टार में करेंगे, एल वी साइड हम डेल्टा में करेंगे। चलिए, तो पिछले लेक्चर में स्टार कनेक्शन तो हम लोगों ने सीखा था। आई होप स्टार कनेक्शन तो आप लोगों के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ए बी सी, ये मैंने इसका मान लिया फेस, ए फेस, बी फेस, सी फेस। ओके, यहाँ मैं ड्रॉ करूँगा आपका डेल्टा कनेक्शन ड्रॉ करना है। एल वी साइड तो मैं इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एज्यूम कर रहा हूँ, स्मॉल सी एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, एच वी साइड तो कैपिटल लेटर में, स्मॉल साइड तो स्मॉल लेटर में, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब हम आते हैं कनेक्शन पर। ट्रांसफार्मर है ना हमारा, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। हाँ, आइडियल भी, आइडियल ट्रांसफार्मर। बट हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करके चलेंगे हमारी इम्पिडेंस की वैल्यू जो है वो प्राइमरी साइड रेफर्ड है, यानी एच वी साइड रेफर्ड इम्पिडेंस है। हमारा इम्पिडेंस है वो एच वी साइड रेफर्ड है, जेड एच वी, जेड एच वी। डैश लगा देता हूँ ताकि रिफर्ड शो करे, एच वी साइड रिफर्ड इम्पिडेंस। ओके चलिए, कनेक्शन देखना है थ्री फेस में। तो न्यूट्रल को एक साथ जोड़ दीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, न्यूट्रल एक साथ जोड़ दिया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अच्छा, अब आना है हमको डेल्टा में। डेल्टा में तो न्यूट्रल होता नहीं है, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। तो डेल्टा में क्या होता है, ये फेस डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होगा और ईच फेस आपस में इस तरह ज्वाइन होंगे। सर ये कैसे बना दिया आपने? डेल्टा में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता ना, नहीं है कोई न्यूट्रल पॉइंट। ए बी सी आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ए बी से कनेक्टेड, बी सी से कनेक्टेड, देख रहे हैं ना, ये और सी फाइनली ए से कनेक्टेड। ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन। अच्छा, ये देखने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो फिगर ड्रॉ करूँगा जिससे आप लोग फेमिलियर हैं। ओके, तो चलिए वहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं जो हम लोग देखते हैं अक्सर, ठीक है ना। चलिए, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया अपना स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन ऑफ द थ्री फेस ट्रांसफार्मर रेफर्ड वैल्यू टू द एच वी साइड। ओके, रेफर्ड वैल्यू टू द एच वी साइड। ये हो गया हमारा ए फेस, ये हो गया बी फेस, ये हो गया सी फेस, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ओके, अब वहां मैं ड्रॉ करूंगा किसका, डेल्टा कनेक्शन। आई होप इससे तो फेमिलियर होंगे ही आप लोग, होना ही चाहिए। ये हो गया डेल्टा, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन, थ्री फेस डेल्टा कनेक्शन। ओके ओके, ये हो गया हमारा ए हो गया, ये हमारा हो गया बी, ये हो गया हमारा सी, देख रहे हैं ना। ओके, अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा, हम अपना फेस सीक्वेंस ए बी सी लेके चलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं लिखूंगा बी, यहाँ लिखूंगा सी, ताकि ए बी सी फेस सीक्वेंस अपना मेंटेन रहे। ओके हाँ, चला कि आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं फेस सीक्वेंस, जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी, एक चीज़ क्या है, फेस सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि ए बी सी ही हो। फेस सीक्वेंस ऐसे लिखने से डिसाइड नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा। फेस सीक्वेंस ऐसा नहीं कि ए बी सी मैंने लिख दिया क्लॉक वाइज में तो फेस सीक्वेंस ए बी सी हो गया, नहीं। अब आगे बात मैं बता देता हूँ इस बात को। आप फेस सीक्वेंस कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सी बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, वो गलत नहीं था। लेकिन क्या है, हमारा दिमाग में पहले से बैठा हुआ है बी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब बी फेस हमारा 120 डिग्री लैग कर रहा है।
मैं बी बी यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब क्या होगा? अगर ए बी सी फेज सीक्वेंस है, मैंने बी यहाँ पर लिख दिया, तो उसका मतलब क्या होगा? ए से बी जो है 120 डिग्री लैग कर रहा है और सी 120 डिग्री लीड करेगा, तब हमारा फेज सीक्वेंस ए बी सी होगा। लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है ना। ओके, तो मैं सोच रहा सर आपने यहाँ पे बी सी लिखा था, फिर चेंज क्यों कर दिया? चेंज इसलिए कर दिया ताकि हमारे दिमाग में यही फेज सीक्वेंस बैठा हुआ है ना, ए बी सी। चलिए ये हो गया। अच्छा पोलैरिटी शो कर देते हैं, ये होगी ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी। ओके चलिए अब हमको क्या देखना है, अब आना है मध्य की बात पे। यहाँ ये क्या है, इसको क्या बोलूँगा मैं, फेस वोल्टेज, और वी कैन से वी लाइन टू न्यूट्रल, लास्ट लेक्चर में लोगों ने सीखा था। सिमिलरली यहाँ पर ज़्यादा हो गया क्या, ये क्या है अपना वी लाइन टू न्यूट्रल, कैपिटल एन लिख देता, नहीं तो बोल लेंगे कुछ लोग सर कि यहाँ कैपिटल एन लिख दिया है, स्मॉल एन लिख दिया, ये कैपिटल एन लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ओके ये हो गया वी लाइन टू लाइन, कैपिटल एल यानी लाइन वोल्टेज। अच्छा यहाँ तो न्यूट्रल है नहीं सर, आपने वी एल टू न्यूट्रल क्यों लिखा हुआ है, सवाल तो आया। हाँ नहीं है, तो क्या होता है हमारे डेल्टा कनेक्शन में, आप देखेंगे बता चुका हूँ, डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, हमारा फेस वोल्टेज ही लाइन वोल्टेज होगा, फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज होगा होगा, तो मैं यहाँ इसको लाइन वोल्टेज ही शो कर सकता हूँ। बोलो हाँ, फेस वोल्टेज ही लाइन वोल्टेज है कि नहीं? हाँ है। ओके चलिए सर मैं टर्मिनल निकाल के दिखा दूँ, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे सर टर्मिनल कहाँ गायब हो गया। अरे भाई यही आपका जो है ए है, यही आपका जो है बी है, ये टर्मिनल आपका सी है। लो दिख गया टर्मिनल, कनेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बस मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया ताकि आपको ए बी सी टर्मिनल दिखाई दे। ओके चलिए ये तो हो गया हमारा, इसमें इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी फेस वोल्टेज वी लाइन टू न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल है ना, इसको भी कैपिटल लिख दूँ वरना बोलेंगे सर कैपिटल स्मॉल क्या। वी लाइन टू न्यूट्रल हो गया, ये हमारा लाइन वोल्टेज हो गया वी लाइन टू लाइन, ए बी देखते हैं पहले ना, ए बी ही देखते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, बट हम यहाँ ए बी के थ्रू ही कर रहे हैं तो ए बी के थ्रू ही यहाँ पर भी समझेंगे। ओके चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात क्या, ये अपना वी लाइन टू लाइन है, बोलो हाँ, यही जो वी लाइन टू लाइन है यही वी फेस वोल्टेज है कि नहीं है? अच्छा हमको यहाँ सीखना क्या है, ये सब तो चलो हम लोग स्टार और डेल्टा ड्रॉ कर लिया। अच्छा यहाँ मैंने क्या बोला था, टर्न रेशियो के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था, इसका टर्न रेशियो क्या होगा, क्या होगा सर टर्न रेशियो? इसका टर्न रेशियो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर से। मैंने अच्छे समझाया पिछले लेक्चर में कि जो टर्न रेशियो होगा वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट होगा होगा। ओके तो अब देखिए यहाँ पर हमारा फेस स्टार कनेक्शन है वी एल टू एन, ये यहाँ पर तो मान लीजिए टर्न आपका एन वन है। देखिए हम लोग पढ़ भलुक रहे हैं थ्री फेज, लेकिन हम स्टडी किस में करते हैं, पर फेज में। हेडिंग क्या लिखा, पर फेज परमिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्यों करते हैं बहुत बार बता चुका हूँ। ओके तो हम अगर हमारा सिस्टम बैलेंस है तो उसके उसकी स्टडी जो है हम पर फेज में करते हैं। ओके तो इसकी स्टडी भी हम पर फेज में करेंगे, तो हम लोगों ने फेज ए लिया, फेज ए के अक्रॉस ही हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए अच्छा यहाँ पर अगर टर्न एन वन है, यहाँ पर तो आप इसको एन वन मान लीजिए, यहाँ पर एन वन है टर्न, ओके एन टू सॉरी, ये एन वन है तो इसका टर्न रेशियो एन टू, तो इसका टर्न रेशियो तो एन वन एन टू हो गया, लेकिन कब, जब ये स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा कनेक्शन है, लेकिन हमको स्टडी करनी है पर फेस में, तो पर फेस में हम क्या स्टडी करेंगे, हमको दोनों तरफ सिंगल फेस चाहिए, तो यानी कि हमारा जो टर्न रेशियो है वो आमने सामने होगा ना, टर्न रेशियो हमारा आमने सामने होगा, बट यहाँ डेल्टा कनेक्शन में है, हमको लिखना है स्टार कनेक्शन में, तो हमको मेन इंपॉर्टेंट हमको करना क्या है, हमको इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, और हमको ये पता करना है कि एन टू की वैल्यू यानी टर्न एन टू जो है वो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, क्या स्टार कनेक्शन में टर्न्स क्या होंगे, तभी ना हम पर फेस डिज़ाइन कर पाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार कनेक्शन करेंगे ताकि हम पर फेस की स्टडी कर सकें। यह हमने कर दिया स्टार कनेक्शन, यह आ गया हमारा न्यूट्रल। अब हमको देखने वाली बात यह है, हमको इसके टर्न्स पता करने हैं, इसके टर्न्स हमको पता है, इसके टर्न्स हमको मालूम करना है क्या होगा, तो देखिए कैसे मालूम करेंगे, ये हमारा लाइन वोल्टेज है, ये हमारा है फेस वोल्टेज, है फेस वोल्टेज,
हम लोगों ने एक रिजल्ट क्या फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग का लेक्चर देखा होगा, हम लोगों ने देखा था कि जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज जो है रूट थ्री टाइम्स ऑफ द फेस वोल्टेज होता है और 30 डिग्री लीड करता है, लेकिन यहाँ हमको एंगल से मतलब है नहीं क्योंकि रेटिंग हमारा मैग्नीट्यूड में होता है। आप देखेंगे रेटेड वैल्यू जो होती है हमेशा मैग्नीट्यूड में होती है, और ठीक है ना। ओके, तो हमारा जो फेस वोल्टेज होने वाला है ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ई फेस। तो अगर आप देखेंगे ई फेस हमारा क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ अपनी ई फेस की वैल्यू, ई फेस क्या होगा, वी लाइन टू लाइन बाय रूट थ्री, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखेंगे इसलिए एंगल की वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा हुआ था कि अपना जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेस वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करता है और रूट थ्री टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर वी लाइन वोल्टेज रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज होता है तो फेस वोल्टेज 1 बाय रूट थ्री टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज होगा ना, यानी कि लाइन वोल्टेज जो है रूट थ्री टाइम्स ई फेस से बड़ा होता है, तो फेस फेस वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज से रूट थ्री टाइम्स कम होगा, यानी ये बोलो। हाँ चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके चलो, अब हमको ये वैल्यू पता करनी है ना, तो हमको एक वैल्यू समझ ये भी पता है क्या, कि जो वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल टू टर्न्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, होता है कि नहीं, क्या V1 V2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 होता है, कुछ याद आ रहा है। तो हमारा जो टर्न्स होते हैं वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या बोला मैंने, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू टर्न्स रेशियो होते हैं कि नहीं, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज होता है टर्न रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, होता है ना, आंसर होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं लिखूँगा N2 को मैं क्या लिखूँगा, मान लीजिए ये N2 डैश है, ये N2 है, N2 डैश है, N2 डैश को मैं क्या लिखूँगा, N2 बाय रूट थ्री। ये कैसे लिख दिया भाई, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज इसके अक्रॉस है ना, और फेस वोल्टेज हमारा V लाइन टू लाइन बाय रूट थ्री है, तो हमारा जो टर्न N2 डैश आया वो N2 बाय रूट थ्री होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि वोल्टेज टर्न रेशियो के प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा कंक्लूजन, N2 डैश जो होगा वो क्या होगा, N2 बाय रूट थ्री। ओके चलिए, अब क्या देखना है हमको, ये तो होगी इसकी स्टडी, इसकी स्टडी हो गई, हमको क्या ड्रॉ करना है, पर फेस पर यूनिट, पहले पर फेस ड्रॉ करेंगे, पर फेस सर्किट इसका क्या होगा देखेंगे। ओके चलिए, अच्छा इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ओके इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, ई फेस वैल्यू क्या होगी, ई फेस वैल्यू क्या होगी, वी लाइन टू लाइन बाय रूट थ्री। इसकी हेल्प से हमने क्या लिखा था, N2 डैश जो होगा हमारा वो N2 बाय रूट थ्री होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं हमारा, क्या ड्रॉ करेंगे हमारा, हम ड्रॉ करेंगे हमारा पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट, पहले पर फेस ड्रॉ करते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये कंक्लूजन जो चाहिए था वो कंक्लूजन तो हमको मिल गया ना, ये कंक्लूजन हमको फाइंड आउट करना था ये हमको मिल गया, तो आई होप इस अब हमको इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको कर रहा हूँ ड्रॉप, ठीक है। ओके, मेरे को स्पेस चाहिए ना। ओके अब मैं ड्रॉ करूँगा पर फेस, आओ पर फेस ड्रॉ करूँगा, स्टार स्टार में नहीं है, स्टार डेल्टा में है, इस डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट किया, फिर स्टार में कन्वर्ट करने के बाद हमने टर्न इसका टर्न कितने टर्न्स हैं वो फाइंड आउट किए। तो हम अब हम ड्रॉ करेंगे अपना पर फेस सिस्टम किसमें, स्टार स्टार में, समझ रहे ना। तो ये हो गया हमारा ड्रॉ पर फेस सिस्टम ऑफ द थ्री फेस ट्रांसफार्मर इन द केस ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये एच बी साइड डिफर्ड वैल्यू। ओके ये हमारा है वी प्राइमरी साइड, वी सेकेंडरी साइड, इसको हम लोगों ने क्या बोल रखा है, वी लाइन टू न्यूट्रल, यानी हम लोग रेटिंग वोल्टेज क्या लेते हैं, वी लाइन टू लाइन, यानी वी लाइन टू लाइन वोल्टेज। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वी लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा, बट प्राइमरी साइड का, सेकेंडरी साइड का, यानी लो वोल्टेज साइड का, तो लो वोल्टेज साइड को मैं स्मॉल लेटर से और हाई वोल्टेज साइड को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके अब हमको क्या करना है, बेस वैल्यू सेलेक्ट करना है, तभी ना हम इसका पर यूनिट सिस्टम बना पाएंगे, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन तभी ना दिखा पाएंगे जब बेस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो बेस सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू हमने सीखा है पर फेस में भी, सिंगल फेस में एंड थ्री फेस में भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके ना,
तो क्या होता है, जो बेस वैल्यू ऑफ द पावर सिलेक्ट करते हैं वो दोनों तरफ सेम होता है। पिछले बार भी किया था, इस बार भी करेंगे। बेस वैल्यू ऑफ द पावर इन द ट्रांसफार्मर इज सेम फॉर द बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ सेम होता है। ओके अच्छा, यहाँ पर लाइन टू लाइन वोल्टेज का रेशियो जो है उसी को हम है जो है बेस वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको ही हम बेस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यानी यहाँ पर हम बेस वैल्यू जो है सेलेक्ट करेंगे किसको, वी लाइन टू लाइन बेस, वी लाइन टू लाइन बेस वोल्टेज रेटिंग को ही अगर हम बेस वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो सोल्यूशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे, क्योंकि अच्छा यहाँ पर टर्न रेशियो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, एन वन एस टू एन टू वायर रूट थ्री। अच्छा कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टर्न रेशियो अगर चेंज हो गया तो ये वोल्टेज भी चेंज हो जाएंगे। नहीं भैया, क्यों नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था अगर मैन्युफैक्चरर को आप बोलेंगे डिजाइन करने के लिए तो पहले वोल्टेज रेटिंग सोचेगा, उसके बाद ना टर्न रेशियो को बनाएगा। तो मैन्युफैक्चरर ये बना चुका है, इसको दिमाग में रख के, ये वैल्यू फिक्स है, वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर की फिक्स है, ये तो बाद में बनाया उसने। समझ रहे हो ना, ये रिजल्ट जो आया ये बाद में आया, ये वोल्टेज रेटिंग फिक्स है, यानी इसका रेशियो अभी भी वी लाइन टू लाइन इज टू वी लाइन टू लाइन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन हमारा यही है। हम लोगों ने स्टार स्टार में भी देखा था जो अपना टर्न रेशियो होता है वो वी रेटेड वोल्टेज रेशियो के इक्विवेलेंट होता है, रेटेड वोल्टेज के रेशियो के इक्विवेलेंट ही होता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए, जो हमारा टर्न रेशियो होता है वो रेटेड वोल्टेज के रेशियो के इक्विवेलेंट ही होता है। ओके ना, ऐसा हम करके चलेंगे। ये हो गया हमारा पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन यही है कि बेस वैल्यू दोनों तरफ सेम ही लेते हैं। ओके ना, तो ये दो कंक्लूजन जो हम लोगों ने अभी देखे, ये कंक्लूजन ना हर एक कनेक्शन के लिए पॉसिबल है। हर एक कनेक्शन का मतलब क्या, हम लोग ने स्टार स्टार देखा, स्टार डेल्टा भी देखा, डेल्टा स्टार में भी यही रिलेशन आएगा और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में भी यही रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस समय हम लोग यही रिलेशन यूज़ करेंगे मैक्सिमम टाइम, ठीक है ना। रेटेड वोल्टेज का रेशियो ही जो है हम टर्न रेशियो एज्यूम करके करके चलते हैं। आपको क्वेश्चन में भी दिया रहता है, ऐसे दे देगा आपको टर्न रेशियो, मान लीजिए आपको वोल्टेज रेटिंग दे देगा 1000 MVA, है ना, और दे देगा 11 kV टू 132 kV, ऐसे आपको रेटिंग दे के रखेगा। तो हम क्या करेंगे उस समय, इसको ही टर्न रेशियो लेकर एज्यूम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके ओके चलिए, आप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग कंक्लूजन लिख लेना, आसानी होगी, कंक्लूजन लिख लें। अच्छा, कंक्लूजन पे आने के पहले हम लोग को अभी इसका परिणाम सिस्टम तो ड्रॉ करना है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, परिमित सिस्टम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का आइडियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा चू यानी गायब, और ओला ट्रांसफार्मर किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, परिमित इम्पिडेंस से सिंपली। अच्छा, हम लोगों ने देखा हुआ है पहले ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपली क्या होगा, ये एक परिमित इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या ये हमारा ZHV डैश पर यूनिट। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड एच बी डैस यानी एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, बेस वैल्यू प्राइमरी साइड के लेंगे, क्या होगी, वी एल एल बी का स्क्वायर अपॉन एस बी, ये हो गया बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इज परमानेंट वैल्यू, ये हो गया अपना पर यूनिट पर फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टार डेल्टा कनेक्शन। किसी भी कनेक्शन में आप फाइंड आउट करेंगे आपको यही मिलेगा, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में आपको कोई भी कनेक्शन दे दे, चाहे स्टार डेल्टा दे दे, चाहे स्टार स्टार दे दे, चाहे डेल्टा स्टार दे दे, या डेल्टा डेल्टा दे दे, पर रिप्रेजेंटेशन नहीं बदलने वाला। ओके, क्यों नहीं बदलने वाला, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग नहीं बदलने वाली, वोल्टेज रेटिंग नहीं बदलने वाली, बेस वैल्यू नहीं बदलने वाला, अपना ये पावर का बेस वैल्यू नहीं, बेस वैल्यू ऑफ द पावर नहीं चेंज होने वाला है, बेस वैल्यू ऑफ द पावर दोनों तरफ सेम रहने वाला है, हर एक केस में ऐसा होगा। ओके तो चलिए, तो ये हो गया अपना पर फेस रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया परमिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। लिखा जाए क्या, यहाँ लिखते हैं, ये है पर फेस पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, और वी कैन से थ्री फेस ट्रांसफार्मर, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर देखा था यही होता है, थ्री फेज की स्टडी भी हम पर फेज में करेंगे यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए भी यही होगा, जैसे कि हमने पिछली बार स्टार स्टार में देखा था यही बना था,
और स्टार डेल्टा में देखा यही बना है। ओके चलिए इसको रफ करता हूँ, तो नोट डाल के लिखिएगा। क्या नोट डालेंगे? द पर फेस इक्विवेलेंट, पर फेस इक्विवेलेंट ऑफ द थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर, पर फेस इक्विवेलेंट ऑफ द थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर हैज द टर्न रेशियो इक्विवेलेंट टू, अलग अलग से लिखता हूँ ताकि आप फोकस कर सकें, इक्विवेलेंट टू रेटेड वोल्टेज रेशियो। ओके अच्छा, रेटेड वोल्टेज रेशियो हमें लिखा है तो इसका मतलब रेटेड लाइन टू लाइन वोल्टेज से मतलब है, आपको बता चुका हूँ। रेटेड वोल्टेज का मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। ओके और आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेटेड, चलिए अच्छे से लिख देता हूँ, रेटेड लाइन टू लाइन, रेटेड लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो। ओके ये हमारा कंक्लूजन निकल आया। और आप बोल सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कनेक्शन, कनेक्शन बोल सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कनेक्शन, यानी कि चाहे स्टार स्टार कनेक्शन हो, चाहे स्टार डेल्टा कनेक्शन हो, चाहे डेल्टा स्टार कनेक्शन हो, कोई भी कनेक्शन हो, हमारा ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है ना, टर्न रेशियो जो है रेटेड लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। ओके चलिए